हरे कृष्ण। आज हम आए हैं राहुल जी के स्थान पर, तो अभी हम एक कीर्तन कर रहे थे। सब लोग बीमार होंगे, चलेगा आप बीमार होंगे तो। ये कीर्तन अभी आपने सबने सुना, इसमें हम क्या बोल रहे थे कि जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार। अभी नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु एक चक्र नाम में मतलब बंगाल के अंदर आविर्भाव हुए थे, लेकिन हम बोल रहे रोहिणी कुमार। जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार, लेकिन रोहिणी कुमार कौन है? रोहिणी कुमार श्री बलराम जी, यानी जो नित्यानंद प्रभु है वो कौन है? बलराम जी है ना। महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु, इन दोनों का अवतार हुआ किधर? नवदीप धाम मायापुर में, बंगाल में। तो यहाँ पे जो दाऊ जी है वही नित्यानंद प्रभु है, और यहाँ बोल रहे जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार। और आगे क्या बोल रहे? पतित उद्धार लागी दुबाहु प्रसाद। नित्यानंद प्रभु इतने ज्यादा दयालु है, इतने ज्यादा कृपामय है कि जब तक हम, ये बोला जाता है कि जब तक हम नित्यानंद प्रभु की शरण नहीं लेंगे, जब तक हम नित्यानंद प्रभु के लोटस फीट की शरण नहीं लेंगे, तब तक हमारे को श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु और श्री राधा जी की जो सेवा है वो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। और यहाँ पे ये इतने दयालु है कि पतित उद्धार लागी दुबाहु प्रसाद, इन्होंने क्या किया, हम जैसे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए अपनी दोनों बाहु प्रसार कर रखी, मतलब फैला रखी है। और अगर कोई नित्यानंद प्रभु की शरण ले लेता है तो महाप्रभु उसे बड़ी ही आसानी से अपना लेते हैं। यहाँ महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप है, जैसा कि हमने कल कथा में सुना था। तो नित्यानंद प्रभु की शरण लेना अति आवश्यक है अगर हमारे को राधा कृष्ण की प्राप्ति करनी है। और इसके पहले एक और कीर्तन है नित्यानंद प्रभु का, बलराम जी का। क्या बोल रहे? अग्रोद परमानंद नित्यानंद राय, बोल रहे कि अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। नित्यानंद राय कौन है? बलराम जी। बलराम जी की अगर आपने कथा सुनी हो तो एक सभा के अंदर उनका किसी ने सम्मान नहीं किया था, केवल एक तिनके से उन्होंने उसकी गर्दन काट दी थी। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, यहाँ पे श्री निताई कैसे हो गए, बलराम जी कैसे बन गए नित्यानंद प्रभु के रूप में? बिल्कुल अक्रोध, बिल्कुल क्रोधित ही नहीं होते कुछ भी हो जाए। यहाँ तक कि जगाई मदाई ने जब उनके सर को फोड़ दिया था, खून बह रहा था, लेकिन बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुए। महाप्रभु सुदर्शन लेकर आ गए जगाई मदाई का वध करने के लिए, लेकिन उनको भी रोक दिया कि नहीं महाप्रभु, इस अवतार में हमें क्या करना है, हम प्रेम से प्रचार करने आए। तो इस प्रकार से अक्रोध होके रह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? और अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्यानिताय नगर बेड़ाय, और पूरे नगर में घूम रहे हैं, पूरे नगर में अभिमान शून्य, बिल्कुल अभिमान नहीं है कि मैं नित्यानंद बलराम हूं, जबकि बलराम रूप में आपने देखा होगा उन्होंने कैसे कितने क्रोधित हो जाते थे छोटी छोटी बातों पर इस रूप में नित्यानंद प्रभु में कैसे बन कर आए, बिल्कुल शांत स्वभाव के। आगे बोल रहे अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया हरि नाम महामंत्र दिशे न बिलाईया, बोल क्या कर रहे हैं? अधम पतित जीवे द्वारे द्वारे गिया, बलराम जी क्या कर रहे हैं, द्वार द्वार पे जा रहे हैं और भिक्षा मांग रहे हैं, अरे कोई एक बार कृष्ण नाम तो लो, मैं उसका क्या कर दूंगा, इस जगत से उद्धार कर दूंगा। पतित लोगों से ये प्रार्थना कर रहे हैं, अरे तुम कोई कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, है ना। और आगे बोल रहे हैं, फिर दिखा रहे हैं खुद ही कृष्ण नाम, गौरांग का नाम बोल रहे हैं, और आगे कैसी स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं कि एत बोली नित्यानंद भूमि गड़ी जाए, गौर हरि का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं,
और बता रहे हैं कि किस प्रकार से देखो इस जगत के अंदर तुम पड़े हुए हो, इस जगत के अंदर कितने दुख, कितने प्रकार की विपदाएं हैं। लेकिन श्री गौरांग का नाम किस प्रकार से है वो खुद उस अनुभूति को बता रहे हैं। यहाँ पे इसके पहले बोल रहे हैं कि जा रे देखे तारे कहे दंते त्रिनाधोरी आमारे की नियाल हो बोलो गौर हरी। बोल रहे हैं जा रे देखे तारे कहे दंते त्रिनाधोरी, बिल्कुल दीनहीन स्वभाव रखकर बोल रहे हैं, जिसको भी देखकर बोल रहे हैं कि आमारे किनिया रहो बोलो गौर हरी। बलराम जी इस प्रकार से इस अवतार में क्या बोल रहे हैं, आमारे किनिया लहो यानी तुम मुझे खरीद लो। किसको खरीद लो, जो कि शेष नाग है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिन्होंने अपने मस्तक पर धारण किए कर रखे है ना, वो बोल रहे हैं कि केवल एक बार गौर हरी यानी एक बार कृष्ण का नाम ले लो और तुम मुझे क्या करो खरीद लो। और फिर आगे खुद ही क्या कर रहे हैं, एत बलि नित्यानंद भूमि गड़ जाए सोनारा पर्वत जेना दूलाते लौटाए। बोल रहे हैं कि गौर हरि का नाम लेकर और धूली में लौट रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि देखो संसार में क्या है, दुख दर्द इसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन हरि का नाम कृष्ण का नाम लेने से क्या होता है, खुद करके बता रहे हैं, धूल में लौट रहे हैं, किसी चीज की परवाह नहीं। और कैसे लग रहे हैं, सोनारा पर्वत जेना धूलाते लौटा है, जैसे सोने का पर्वत होता है ना धूल में लौट रहा हो उस प्रकार से उनका स्वरूप। और जो नित्यानंद प्रभु है, बलराम प्रभु है, वो कौन है, अखंड गुरु तत्व है वो, अखंड गुरु तत्व यानी हमारे जो सबसे पहले जो हमारे गुरु हैं वो कौन है, श्री नित्यानंद प्रभु गुरुदेव। और हमारे जो गुरु वर्ग हैं संप्रदाय के अंदर, वो सब जितने भी गुरु वर्ग हैं वो सब किसके स्वरूप हैं, साधारण नहीं है, वो कौन है, श्री बलदेव के स्वरूप है। तो इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, बोले श्री दाऊ भैया की, बोले श्री कृष्णा कन्हैया की, हिताय गौर ब्रह्मानंदे। हरे हाँ, हरे कृष्णा। हम लोग ये ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जिस मंदिर में पहुंचे हैं, ये श्री बलदेव प्रभु है, ये श्री बलदेव प्रभु है। अब जानते हो दाऊ भैया कृष्ण के बड़े भैया, कृष्ण उनकी छोटे भैया है, इसलिए श्री जो बलदेव प्रभु कहते इनका जो बज्रनाभ कौन था, कृष्ण का पौपौत्र, उनको बेटे के बेटा, इन्होंने विशेष करके ब्रज मंडल में चार देव उन्होंने प्रतिष्ठित किया है, जिनका नाम देव शब्द प्रयोग हो, जैसे उन्होंने बलदेव, ये श्री बलदेव में इसी बलदेव प्रभु को स्थापन किया। अभी हम लोग वृंदावन में, कल हम लोग श्री गोविंद देव को दर्शन करने गए थे, उन्होंने वृंदावन में गोविंद देव को स्थापन किया, फिर मथुरा में केशव देव को स्थापन किया, जब फिर हम गिरिराज गोवर्धन जाएंगे वहाँ पर श्री हरि देव को दर्शन करेंगे। इसलिए इनका नाम बलदेव नाम क्यों पड़ा, बल मतलब होता है बल, देव मतलब होता है बल का जो अधिष्ठात्री देवता, मतलब हम जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं अभी भक्ति में बल कहाँ से मिलेगा, बोले श्री बलदेव प्रभु से ही ये बल मिलेगा। इसलिए जब तक इनकी कृपा नहीं हो तब तक भक्ति जगत में हमारी प्रवेश नहीं है। इसलिए अभी प्रश्न, ये बलदेव प्रभु रूप में क्यों आए, बोले त्रेतया युग में यही बलदेव प्रभु श्री लक्ष्मण रूप में आए थे, हैं भगवान राम के छोटे भैया बन करके, लेकिन उनको ऐसे कुछ काम करना पड़ गया जो सेवक धर्म का विरुद्ध धर्म हो। जैसे आप लोग रामायण सुने होंगे, जिस समय सीता को उन्होंने लंका से वापस लिया, अब रामायण देखे हो, उन्होंने लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण सीता सजाओ, बोले क्यों, बोले सीता जी को अग्नि परीक्षा हम करेंगे, सीता को अग्नि परीक्षा करेंगे हम वापस लेंगे, वो पवित्र है कि अपवित्र। अब रामायण देखे होंगे लक्ष्मण बिगड़ गए, क्योंकि माता सीता को अपना माँ मानते थे, बोले रावण उनको जोर जबरदस्ती उठा करके ले गया, उनकी कोई दोष नहीं,
और लंका में रहते हुए भी अपना सतीत्व का रक्षा करते हुए रही और उनको परीक्षा करना पड़ेगा। वो बिगड़ गए एकदम लक्ष्मण। फिर जब आप लोग रामायण सुनेंगे, जो धोबी ने जब उन्होंने सीता माता जी के ऊपर में उन्होंने तरह तरह का अपवाद फैलाया है, धोबी ने उसको पत्नी गई थी बाहर, आते आते कहीं एक रात कहीं रुकना पड़ा। जब दूसरे दिन आए बोले क्या कर रही थी, बोले मजबूरी में कहीं रुकना पड़ा। बोले मैं राम थोड़ी हूँ, रावण कहाँ सीता को उठा करके ले गया, एक साल तक लंका में रखा और वापस आए तो क्या किया उनको, अपना बराबर सिंहासन में बैठे, इसका ना थोड़ा इको कम कर दो इसका, तो उन्होंने बराबर आसन पर उनको स्थान दे दिया। मैं राम नहीं हूँ, लेकिन उनको पता नहीं था जो असली जो सीता है ना रावण, उसने असली सीता को चोरी नहीं किया था, वो नकली सीता थी, असली सीता थी नहीं, क्योंकि जो सीता ये माँ लक्ष्मी स्वयं, रावण कहाँ राक्षस है, कहाँ सीता को दर्शन भी नहीं कर सकता है, लेकिन लक्ष्मण को क्या करना पड़ा, माता सीता को उन्होंने जो हमारे वाल्मीकि आश्रम तक छोड़ना पड़ा उनको। लक्ष्मण बड़े दुखी हो गए, बोले अगर मैं और आऊंगा ना मैं कभी छोटे भाई बन करके नहीं आऊंगा, क्योंकि छोटे भाई बन करके आओ तो बड़े भाई का आदर से पालन करना पड़ता है, इसलिए अभी मैं बड़े भाई बन करके आऊंगा तो कृष्ण को मेरा आदर से पालन करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने दूसरे अवतार में वो छोटे नहीं बड़े बन करके आए, बलदेव प्रभु बन करके आए। फिर उन्होंने जो महाप्रभु का लीला में आए, फिर उन्होंने नित्यानंद प्रभु बन करके आए, महाप्रभु का बड़े भाई बन करके, क्यों, बड़े भाई का आदेश से छोटे भाई को पालन करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने श्री बलदेव प्रभु रूप में आए और आ करके वो जैसे चाहते थे उन्होंने वैसे ही उन्होंने कृष्ण सेवा की है। इसलिए जो बलदेव प्रभु इनको हाथ में देखना, जब ये वृंदावन में रहते हैं इनके हाथ में श्रृंगाबा बंसुरी रहती है, लेकिन यही बलदेव जो मथुरा और द्वारका में आते हैं इनके हाथ में क्या रहता है, देखे हो हाल और मुसल, ये हाल और मुसल क्यों धारण करते हैं, अब हाल से क्या करते, खेती करते, कब तो खेती किए नहीं, शहर में रहते हो, जो गांव में रहते हैं उनको पता है, उन्होंने हाल से खेती करते हैं, हैं खेती करते हैं, बोले किस चीज की खेती करते हैं, बोले हमारी हृदय को खेती करते हैं, हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो भरा हुआ है, हैं इसी हृदय में भगवान प्रकट नहीं होंगे, इसलिए जैसे खेती में बीज जब बोते हैं ना खेती करते हैं, खेती करके क्या करते हैं उनको हाथ में मुसल, मुसल से क्या करते हैं, आप जब खेती करो वो बड़े 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 ढेला होता है और वो मुसल से उसको मार मार करके एकदम मोलाई भी बना देते हैं, जिसमें बीज बोए तो बड़े सुंदर जहाँ पर खेती हो, इसलिए बलदेव प्रभु हमारी हृदय रूपी हैं जो खेती में खेती करके और उन्होंने कृष्ण कथा रूपी हैं कथा को द्वारा उन्होंने हृदय को एकदम मुलायम बना देते हैं, जिसमें कृष्ण भक्ति बीज जिसमें रोपण हो सकता है, इसलिए इनके हाथ में हल और इनके हाथ में मुसल है। कहते श्री बलदेव प्रभु सर्वप्रथम उन्होंने जो राक्षसों को वध किया है, पता है कौन से राक्षसों को वध किया, इन्होंने गर्धवासुर को वध किया, किसको वध किया उन्होंने, इन्होंने गर्धवासुर, उनको रास्ता छोड़ दो अंदर में जाएंगे, अब इतना पता नहीं चल रहा, वो अंदर में जाएंगे, इधर बैठ जाओ बाबा जाओ अंदर में जाओ, इसलिए उन्होंने सबसे पहले उन्होंने गर्धवासुर को वध किया है। गर्धवासुर का नाम सुने कि नहीं, हम कभी कभी बोलते ना तू क्या गधे हो, गधे मतलब क्या, एकदम मूर्ख है, हैं कहते हमारी अंदर में भी एक मूर्खता है, एक मूर्खता हमारे हृदय में, इसलिए उन्होंने गर्धवासुर को वध करते हुए, ये जो गर्धवासुर ये अज्ञान ये अविद्या है, इसलिए बलदेव प्रभु ये आदि गुरु है, कहते ये आदि गुरु रूप में क्या करते हैं, हमारे हृदय में जो अज्ञान बैठा हुआ, किस चीज की अज्ञानता, हम अपने आप को क्या समझते हैं, गधे को देखे हो, कौन कौन गधे को देखे हो, अब सबके सब गधे को देखे हो, देखना गधे के ऊपर में डाल चावल, पहाड़ में डाल चावल घी सब कुछ उसको पीठ पर लद करके ले जाते हैं, लेकिन वो खाता है क्या, वो घास ही खाता है, उसको कभी परठा नहीं खिलाते हैं, उसको कभी एक गिलास लस्सी नहीं बना कर पिलाते हैं, कभी रोटी नहीं, कोई घास ही खाते हैं, कहते हम भी ये संसार रूपी हाँ माया में, हम भी दिन भर पीठ में
ये संसार रूपी माया की बोझ को हम भी दिन भर ढोते रहते हैं, लेकिन ये ढोते तो है लेकिन इस संसार का आनंद नहीं मिलता है, सबका गाली सुनना पड़ता है, सबका करो संसार के लिए सभी के लिए, लेकिन उल्टा सभी का हमें गाली सुनना पड़ता है। गुरु जी कहते थे ये बरसात में ये गधा हो जाता है दुबला पतला, लेकिन जो गर्मी का समय हो जाता है मोटा। बोले ऐसे क्यों? बोले जिस समय बरसात का समय में हरी हरी घास होती है, वो गधा जब थोड़ी दूर घास खा करके जाता है वो पीछे मोड़ करके देखता है कितने से कितने दूर तक हमने घास खाए। बोले इतने से इतना दूर आते ही पेट भर गया, पेट भर गया वो हो जाता है पतला। लेकिन गर्मी का समय में घास नहीं होता, वो मीलों तक घास खाते खाते चला जाता है, पीछे मोड़ कर देखता है। बोले बाबा रे इतने से इतने दूर तक हमने घास खा लिया, वो मोटा हो जाता है। कहते हम भी कभी कभी इसी संसार में क्या करते हैं, अपने आप को बहुत बड़े मानते हैं। अरे हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम ये करते हैं, फुले फुले रहते हैं, मतलब हम क्या नहीं करते। लेकिन शास्त्र कहता है कर्तव्येर मतयामि करि परिश्रम कर लागिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अगर संसार में सबके सब भजन करते हैं, पति भी भजन करता है, पत्नी भी भजन करती है, बच्चे भी भजन करते हैं ना, कहते उसका घर घर नहीं वही घर ही वृंदावन धाम है। लेकिन अगर घर में भगवान की भजन नहीं करते हैं, पति भी भजन नहीं करे, पत्नी भी नहीं, बच्चे भी भक्ति नहीं करते हैं, कहते भैया वो घर घर नहीं वो श्मशान है। उसी संसार में हम जो कुछ करते हैं वो गधा जैसे दिन भर परिश्रम करता है, हम गधे की जैसे दिन भर भी परिश्रम करते हैं, क्योंकि साथ में कुछ जाने वाले है ही नहीं, आंख बंद करते ही राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे हैं। इसलिए यहाँ पर श्री बलदेव प्रभु गुरु रूप में आ करके हमारे हृदय में जो अज्ञानता बैठा हुआ है ये अज्ञान को बलदेव प्रभु रूप में गुरुदेव नष्ट करके सबको कहते देखो कृष्ण रे संसार करो छाड़ी अनाचार, संसार करो लेकिन किस चीज की संसार? बोले कृष्ण का संसार करो, भगवान को बीच में रख करके करो, पैसा खूब कमाओ। बोले क्यों? ठाकुर जी का सेवा के लिए शादी करो, लेकिन पत्नी कौन? बोले ये भी कृष्ण का दासी, हम भी कृष्ण का दास है। बच्चे कौन है? बोले भगवान के बच्चे हैं। घर में सब कुछ करो लेकिन भगवान को सेंटर करके करो, भगवान को छोड़ करके नहीं करनी चाहिए। इसलिए बलदेव प्रभु ये गर्धवासुर को भगवान सर्वप्रथम बलदेव प्रभु अज्ञान अविद्या को दूर करते हैं। फिर बलदेव प्रभु जब उन्होंने द्वारका में गए उन्होंने एक राक्षस को बंद किया जिसका नाम था द्विबीध बंदर। क्या नाम था? द्विबीध। कहते ये कौन था? बोले ये त्रेता युग में जब भगवान रावण से युद्ध किया उसी समय में भी ये था, लेकिन राम को प्रति तो इनकी भक्ति थी लेकिन जो लक्ष्मण है ना गुरुदेव है उनके प्रति कुछ भावना थी नहीं। ऐ बोले लक्ष्मण में क्या कुछ नहीं लेकिन राम ही सब कुछ है। लेकिन जब राम जाने के बाद जब श्याम बन करके आए वही लक्ष्मण फिर बलदेव प्रभु बन करके आए, लेकिन जब बलदेव प्रभु बन करके आए अभी उसने असत संग में पड़ गया। यद्यपि रामलीला में बड़ी सेवा की लेकिन वो असत संग में पड़ करके उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, उसका बुद्धि खराब हो गया राक्षसों के साथ में। एक दिन बलदेव प्रभु अपना महिषियों को लेकर के बलदेव प्रभु लीला कर रहे थे, इतने में ये द्विबीध बंदर ने क्या किया, उन्होंने उनकी पत्नी जो थी उनको प्रति बड़ी गंदी गंदी हरकत कर रहा था। बलदेव प्रभु कोशिश किया माफ करने के लिए लेकिन गंदी गंदी हरकत उसको बंद नहीं हो रहा था। बलदेव प्रभु उठाया अपना हाल और उसको पकड़ करके खींचे और जो मुसल था ना मारे सर के ऊपर में एकदम चकनाचूर कर दी। बोले श्री दाऊ भैया की यहाँ पर बलदेव प्रभु उसको मारे क्यों? कारण किया? बोले इनका नाम था द्विबीध। बोले द्विबीध मतलब क्या? बोले जो व्यक्ति भगवान से अभिन्न गुरु जी को मानते हैं, भगवान को तो खुद भक्ति करते हैं लेकिन वैष्णव का प्रति गुरु जी का प्रति जिसकी भावना नहीं, जैसे राम का तो सेवा की लेकिन लक्ष्मण को प्रति अनादर, कृष्ण को प्रति तो सेवा की लेकिन बलदेव प्रभु का प्रति अनादर है नहीं। शास्त्र कहता है
जो गुरु जी है वही बलदेव प्रभु। इसी जगत में जो गुरु रूप में हम जिनको दर्शन करते हैं कहते यही बलदेव प्रभु ही अखंड गुरु रूप में इस जगत में आते हैं। इसलिए गुरुदेव बलदेव प्रभु का एक प्रकाश है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, भगवान के प्रति तो भक्ति लेकिन गुरु जी का प्रति कोई भक्ति नहीं, बोले गुरु गुरु का कोई जरूरत नहीं, हम अपनी आप भक्ति करेंगे। बोले भैया ऐसे नहीं होगा, कहते ना बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरिंचि शंकर सम होई। कहते ब्रह्मा शंकर जी जैसे बराबर हो जाए, अगर जीवन में सदगुरु ग्रहण नहीं करे तो कभी भवसागर से कभी व्यक्ति पार नहीं हो सकता है। इसलिए जो द्विविध बंदर उन्होंने तो कृष्ण को मानता था लेकिन गुरु जी को नहीं मानता, बलदेव प्रभु का नहीं मानता। लेकिन गुरुदेव कौन है, हमारे विश्वनाथ को ठाकुर क्या कहते हैं, कहते साक्षात हरित्वे न समस्त शास्त्र ही रुक्तस तथा भाव्यत एव सद्धि किंतु प्रभुर्ज प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जब भगवान किसी जीव को ऊपर में कृपा करते हैं, भगवान इसी जगत में गुरु रूप में ही आते हैं। इसलिए कृष्ण उद्धव जी को कहते उद्धव जी आचार्य मांग बिजानियात, जो आचार्य है तुम मेरा ही स्वरूप मानना। इसलिए कहते ना गुरु गोविंद दो खड़े का के लाभ पाऊं, भले बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताए। अगर गुरु अगर भगवान खड़े हैं पहले किसकी चरण में प्रणाम करेंगे, गुरु जी की चरण में। क्यों, भगवान की चरण को हमें दिखाने वाले कौन है, बोले श्री गुरुदेव ही दिखाने वाले हैं। इसलिए ये जो द्विविध बंदर है वो तो भगवान के प्रति इनकी भक्ति है लेकिन उनकी गुरु जी के प्रति बलदेव प्रभु का प्रति इसकी भावना नहीं। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, भले ही अगर गुरु जी को छोड़कर तुम जितने भगवान की भक्ति कर दो लास्ट में भैया जीरो हो जाएगा, लास्ट में जीरो हो जाएगा। इसलिए बलदेव प्रभु ने क्या किया, खींचे और उन्होंने मारे। इसलिए कृष्ण इसलिए शास्त्र कहता है जो व्यक्ति सिद्धि भवति वा नेति अच्युत से बिना, अगर जो व्यक्ति डायरेक्ट कृष्ण को भक्ति करते हैं, भगवान खुद कहते हैं भैया मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ तू मेरे को पाओगे। भगवान कहते तुमको मैं गारंटी नहीं दे सकता तू मेरे को प्राप्त करोगे। लेकिन भगवान कहते हैं अगर कोई सद्गुरु का अगर कोई आश्रय ग्रहण करे, बोले नी संशय च अत्र तत् भक्त परिचर्या रतात्मना। लेकिन जो भक्तों की सेवा करते हैं भगवान गारंटी देते हैं एक दिन जरूर तू मेरे को प्राप्त करोगे ही। इसलिए श्री बलदेव प्रभु ने कहते उन्होंने पहले लक्ष्मण थे तब उन्होंने बलदेव प्रभु के रूप में आकर के उन्होंने कृष्ण की अनंत सेवा की। वही फिर बलदेव प्रभु जो कलयुग आ गया फिर उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु रूप में जगत में आए हैं। किस रूप में आए, नित्यानंद प्रभु रूप में। कृष्ण आए तो बलदेव श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में और श्री बलदेव प्रभु आए श्री नित्यानंद प्रभु रूप में। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं बोले हे नानिताई बिने भाई राधा कृष्ण पाए ते नाही, क्रीड़ा करी भारती ठाकुर लोचन दास ठाकुर कहते हैं जब तक श्री बलदेव प्रभु का नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं होगा भैया राधा कृष्ण तुम्हें नहीं मिल सकते हैं। बलदेव प्रभु का कृपा होने पर ही तभी राधा कृष्ण हमें प्राप्त हो सकते हैं। अब जब नित्यानंद प्रभु रूप में आए इतने दयालु इतने कृपालु बने, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं दयाल नीताई चैतन्य भोले नाचे अमर मन, दयाल नीताई चैतन्य भोले नाचे अमर। इसलिए कहते भैया मेरे जो मन है ना श्री नित्यानंद प्रभु का नाम लेकर नाच उठे। बोले क्यों, बोले इतने दयालु और जो पिय कर थे जगाई माधाई उनने सर को फोड़ दिए, नित्यानंद प्रभु का सर को फोड़ दिए जब उनको हरिनाम दे रहे थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने दयालु कहते हैं भैया मेरे ची कल सिर काना
ताई बोली कि प्रेम देवना, भले ही तुमने सर फोड़ दिए लेकिन एक बार हाथ उठा करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे, बस एक बार केवल मेरे प्रभु का नाम ले ले तेरे काम उद्धार कर देंगे। इतने दयालु श्री बलदेव प्रभु, इतने दयालु श्री नित्यानंद बने, इसलिए उन्होंने बलदेव रूप में कृष्ण क्यों प्रकाशित हुए, इसलिए ये बृहदारण्य उपनिषद कहता है जब कृष्ण गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्षों के नीचे खड़े हुए, अभी प्रभु जी लीला करना चाह रहे हैं लेकिन देखा एक स्वरूप से लीला नहीं हो सकता है, इसलिए उनको वाम अंग से श्री राधा रानी प्रकट होती है और डाहन अंग से श्री बलदेव प्रभु प्रकट होते हैं, हैं? बलदेव प्रभु प्रकट हुए, इसलिए हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं शंकर सन कारण तो यसाई गर्भोद साई च पयब्धि साई से सांस जस्यांस स नित्यानंद रामाख्यम शरणम प्रपद्य। देखो ये बलदेव प्रभु का कितना प्रकाश है, अभी कृष्ण से बलदेव प्रभु रूप में प्रकट हुए, बोले क्यों प्रकट हुए, बोले कृष्ण सेवा को शिक्षा देने के लिए है, कृष्ण तो बोलेंगे नहीं भैया तुम मेरे सेवा करो, इसलिए वाम अंग से राधा रानी प्रकट हुई और राधा रानी से जितने उमा रमा सत्या सची सबके शक्ति राधा रानी से प्रकट हुई और बलदेव प्रभु से कौन प्रकट हुए, कहते एक मूल शंकर सन प्रकट हुए, फिर उनसे तीन विष्णु प्रकट हुए, कितने विष्णु दुनिया जानते, हम तो एक विष्णु का नाम जानते हो, आप तो तीन तीन विष्णु का नाम लेते हो, पहला विष्णु कारण दगसाई विष्णु, दूसरा गर्भद गसाई विष्णु और तीसरा खिराब दिशाई विष्णु, बोले इनका काम क्या है, कहते जब श्री कारणदास साई विष्णु प्रकट हुए जब उन्होंने माया को प्रति इखन बस दृष्टि की, माया ने अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि की, अनंत ब्रह्मांड, कहते जो गर्भद साई विष्णु ने किया कि हर ब्रह्मांड में उन्होंने शयन करते हुए आधा पसीना की पानी में आधा ब्रह्मांड को भर दिए और जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुई, कहती है गर्भद साई, कल खिराबदी साई विष्णु कौन, बोले हर जीव का हृदय में ये परमात्मा रूप में जो परम बैठे हुए हैं ये खिराबदी साई विष्णु और शेष रूप में ठाकुर जी जो शेष नाग ऊपर शयन करते हैं, कहती ये कौन है जिसको ऊपर भगवान शयन करते, बोले श्री बलदेव प्रभु, ऐसे ही ये बलदेव प्रभु अनंत अनंत रूप में उन्होंने कृष्ण की उन्होंने सेवा करते हैं, इसलिए हमारे श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं बोले संसारे र पार हैया भक्ति रसागर चले। अगर कोई व्यक्ति अगर ये संसार से पार होकर के भक्ति रस में अगर कोई गोता लगाना चाहते हैं बोले किसकी कृपा से होगा, बोले बलदेव प्रभु, इसलिए यही बल मतलब भक्ति बल की यही अधिष्ठात्री देवता, ये जब तक कृपा नहीं करेंगे हृदय में हमारी भक्ति प्रकट नहीं हो सकता है। मंदिर में दर्शन किया कि नहीं, अब देख रहे यहाँ तो बलदेव प्रभु दर्शन किया लेकिन उधर से देखोगे ना रेवती माँ की दर्शन हुई, क्या उधर उसी कोण से, यहाँ पर रेवती कोने में खड़ी हुई, बोले ये कोने में क्यों खड़ी हुई, बोले कारण है आप लोग तो हिंदू लोग हैं आपको पता है जब घर में स्त्री शादी होकर के आती है ना, मैंने अपना गांव में तो कभी देखा नहीं कभी दो पति पत्नी एक साथ में चले, हमारे मैंने कभी गांव में नहीं देखा, शर्म करते थे पति पत्नी चल में और हाथ पकड़ कर चल में तो कभी देखा ही नहीं, कभी पति पत्नी को एक साथ में शर्म है ना गाँव में है, बोले बीवी को लेकर घूम रहा है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने अपना मर्यादा को रक्षा करते हुए रेवती देवी एक कोने में खड़ी है, इसलिए इनकी पिताजी का नाम था रेवत महाराज, हाँ ये सत्य युग में ये रेवती सत्य युग की, उनको पिताजी का नाम था रेवत राजा, इन्होंने उनको पता चला मेरी जो बेटी हो लक्ष्मी अंश में, अभी लक्ष्मी को साथ में तो नारायण की शादी होगी, तो उन्होंने गई पितामह ब्रह्मा जी को पास में, बोले मेरे बेटी के उपयुक्त तो पति कहाँ मिलेगा, लेकिन उसी समय ब्रह्मा कोई विशेष काम में बिजी थे, लेकिन जब ब्रह्मा जी से मिले जब बेटी की शादी की बात तो पूछे, बोले देखो तुमने आया था सत्य युग में लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी इंतजार किया ना, अभी मरते जगत में सत्य युग भी गया, तृतीया युग भी गया और द्वापर युग आ गया,
द्वापर का अंतिम समय आ गया और अभी स्वयं भगवान ये श्री बलदेव प्रभु रूप में वसुदेव का बेटा बन करके आए, इसलिए अपना बेटी को तुम बलदेव प्रभु से शादी कराओ। जब शादी हुई ना, रेवती तो सत्यजु की ताल की पेड़ जैसी लंबी चौड़ी और बलदेव प्रभु द्वापर का अंतिम उनको घुटन तक। जब शादी हो गई ना सखा, उनका कन्हैया बड़े भाग्य से बड़ी बहू मिलती है बड़ी भाग्य से बड़ी बहू मिलती है। बलदेव प्रभु बोले भैया शादी की देर नहीं, वही सखा लोग तो खिली उड़ाने लग गई। इतने में बलदेव प्रभु अपना क्या लिया हाल को लेकर के रेवती के कंधे पर धरे और उन्हें धीरे 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 उसको खींचे और खींचते 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 जब कंधे तक आ गया ना, अभी जोड़ी परी बड़ी प्यारी बनी गई। बोले श्री रेवती रामायण भगवान की। फिर तो उनको शादी हुई, इसलिए रेवती मैया ये कोने में खड़े हुए, इसलिए हम श्री बलदेव प्रभु के पास में आए, इनकी कृपा से ही भक्ति मिल सकती है। इसलिए यही बलदेव प्रभु अखंड गुरु रूप में जगत में आते हैं और बलदेव प्रभु 10 शरीर और 5 रसों से भगवान की सेवा करते हैं और अनंत रूप में प्रकाशित होकर के बलदेव प्रभु अनंत अनंत सेवा करते हैं और अनंत मुँह में कहते ना हरि अनंत हरि कथा अनंत, ये अनंत मुँह से अनंत काल से अनंत हरि की कथा को गान कर रहे हैं, तब भी कृष्ण लीला की अभी तक कोई अंत नहीं पाए। इसलिए श्री बलदेव प्रभु का चरण में परिक्रमा में सबसे पहले यही आए, इसलिए यही आए, इनकी कृपा होगा ना ये धाम रूप में बलदेव प्रभु प्रकाशित है। ये जो धाम बलदेव प्रभु, इनकी कृपा होगा तो फिर तो कृष्ण के लीला स्थली हम दर्शन कर सकते हैं। इसलिए बलदेव प्रभु का चरण में आए प्रार्थना करो, बलदेव प्रभु आप हमें भी कृपा करो, हमारे हृदय में भी कृष्ण भक्ति की बल प्रदान करो, जैसे हम सबके सब कृष्ण भक्ति कर सके। ठीक है, हरे कृष्णा। आज एक बहुत विशेष